गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं खिचड़ा मटन का, और ये है हमने पिसा हुआ गेहूँ घर में, और अभी हमने भगोने के अंदर पानी चढ़ाया है और दो से चार प्याज इसके अंदर डालेंगे और एक बाटी तेल डालेंगे। और एक टीस्पून हल्दी डालेंगे। और फिर इसका उबाल आने तक हमारे जो गेहूँ है पिसे हुए घर में उसे डालेंगे। हमने बाहर से नहीं लाया था गेहूँ, घर में ही पिसा था। गेहूँ को धो लिया है। और ये है वाटी भर के मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, चावली, चना दाल, तुवर दाल, सब दाल है। और ये है चावल, इसे 10 से 15 मिनट तक भिगो कर रखना है। फिर उसके बाद इसे अच्छे पानी से धोकर डालना है, और गेहूँ अच्छी तरह से होने के बाद ही इसमें डालना है। और यहाँ पे हमारा कोश्ता रखा हुआ, और इसके अंदर दो प्याज डाले और हल्दी, नमक, और ये है गरम मसाले, खड़ा इलायची, इलायची वगैरह, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है एक चम्मच। और इसे फिर 3 सीटी तक होने देना है। तेल डालना है इसमें, और फिर देखो हमारा गोश्त पानी सूख गया है। फिर इसके बाद पानी डालना है इसके अंदर, फिर 3 सीटी लेना है। देखो हमारा इधर भी हमारा ध्यान चालू है। देखो ये अच्छी तरह से पूरे दाल गल चुके हैं, देखो, और इधर भी हो रहा है। देखो बन गई है हमारी दाल पूरी मिक्स, अच्छी तरह से हो गई है, देखो माशाल्लाह दिख रहा है। और इसे फिर से अपना जो लोटा आता है पानी पीने का उससे इसे घोटना है, देखो जैसे मेरे मम्मी कर रहे हैं। और देखो ये भी बन गया है अच्छी तरह से। और ये है तेल हमने लिया था, और ये है हरी मिर्ची, प्याज, जीरा, कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया, ये सब डालना है इसमें। मिर्ची 2-2 टीस्पून डालना है इसमें, और इसे फिर बघार देना है। गरम मसाला नहीं डालना है इसमें। और देखो ये मिर्ची मसाले डाल दिए, फिर इसे अच्छी तरह से पकने देना है, पकाना है इसे। और फिर हरा धनिया और पुदीना डालना है इसमें। और जो हमने जो पूरी दालों को ऐसे घोट कर रखे थे फिर वो डालना है, और हींग भी डालना है इसमें ताकि हाजमा अपना अच्छा रहे, क्योंकि किसी को खिचड़ाना बहुत ही हो जाता है। और ये है बिरिस्ता तलने के लिए, हमने एक कढ़ाई में तेल रखा और फिर प्याज फ्राई करे हमने इसमें, तले इसमें, वैसे ब्राउन होने देना है, और फिर फ्रिज में रखना है इसे। और इसे अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करना है, यानी क्या जितना अपन हाथ चलाएंगे ना खिचड़े के ऊपर उतना ही हमारा खिचड़ा मस्त बनेगा माशाल्लाह। हमारा तो खिचड़ा बहुत ही अच्छा बना था, आप भी ट्राई करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, लाल मिर्ची 2 टीस्पून, हरा धनिया 2 टीस्पून, और ये है तेल, बिस्ता तले थे हमने इसमें, और फिर अदरक लहसुन डालना है, और ये सब गरम मसाले जो हमने मिर्ची मसाले रखे थे वो डालना है। थोड़ा बोलने में कंफ्यूज हो रही हो आप समझ के ले लो। और इसे फिर पकाना है
थोड़ा सा कच्चा मसाला ना रखना है। और फिर जो हमने गोश्त उबाल के रखा था वो इसके अंदर डालना है अच्छी तरह से। हमारा गोश्त भी पक चुका था और फिर ये डालना है इसके अंदर। प्लीज़ रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। और देखो फिर ये जो बचा हुआ पानी था वो डालना है। और फिर हरा धनिया पुदीना डालना है इसमें भी। और बन गई हमारी रेसिपी। अगली वीडियो में मिलते हैं एक रेसिपी के साथ। अच्छी अच्छी कमेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं।